Namaste, lovely people out there. I'm Prerna and welcome back to my channel, Kashi Crafting. Today, I'll be going to show you how I made this beautiful DIY notebook with a vintage style crushed papers. How I made this paper, I give a link in the description box. Go and check it. I made this notebook with a pocket on its cover and a bookmark too. Before we start this video, please make sure to subscribe my channel, hit that bell icon, and if you like this video, give a thumbs up to it. सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्रश पेपर्स ले लिया है. अब मैं क्रश पेपर लूँगी एंड इसको टू इक्वल हाफ्स में फोल्ड कर लूँगी लाइक दिस. अच्छे से एजेस मिला के हमें इसको फोल्ड करना है विथ प्रेशर. अच्छे से इसको प्रेशर देके फोल्ड करना है. इसी तरीके से मैं बाकी पेपर्स को भी फोल्ड कर लूँगी. देख सकते हैं सारे पेपर्स फोल्ड हो चुके हैं. तो अब मैं इसकी फोल्डेड साइड को अच्छे से सिंक्रोनाइज करके एक के ऊपर एक पेपर्स रखती जाऊंगी एंड फाइनली एक लुक लाइक दिस. हाफ शीट ले लूंगी मैं, इसका भी हाफ करूंगी, मतलब हमें बेसिकली क्वार्टर पोर्शन चाहिए. एंड ये रही मेरी कलाकारी जब मैं पेपर के ऊपर फेविकोल से बनाती हूँ. इट्स माई फेवरेट पोर्शन. आई टेक माई टाइम. Literally, I enjoyed it, you know. अब पेपर को हम फोल्डेड साइड से टैप करके इसके ऊपर रख देंगे. सी, फोल्डेड साइड से टैप करेंगे. ग्लूड पेपर के ऊपर रख देंगे एंड अच्छे से प्रेशर के साथ इसको हम पेस्ट कर लेंगे. And again we need to tap it. And now we have to make its cover. मैंने ये beautiful yellow handmade sheet ले ली है. Notebook के size का मैं इसको cut कर लूँगी. First we have to measure it and then cut. ये मैंने कट कर लिया है पेपर एंड अब मैं इसके ऊपर पेपर्स रख के इसको फाइनल नोटबुक का लुक दूंगी. एंड सी हाउ इट लुक लाइक. सो ब्यूटीफुल नो. इसको पेस्ट करने के लिए मैं हॉट ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ. आप किसी भी ग्लू का यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इससे इजीली चिपक जाता है, इसलिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ. अगर आप किसी दूसरे ग्लू का यूज़ कर रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू पुट प्रेशर ऑन इट बिकॉज ये चिपकेगा नहीं. इस तरीके से मैं इसको प्रेशर दे करके पेस्ट कर लूँगी लाइक दिस. And again, we have to tap it. And see, it's done. मैं half sheet ले लूँगी. इसको front page पे paste करूँगी to hide this binded portion. इसको front and last page दोनों पे paste करना है. And again, my kalakari. ये मेरा favorite portion होता है. मैं पेपर को इसके ऊपर पेस्ट कर दूंगी.
देन आई टेक अ रूलर पुट इट हियर एंड मेक अ क्रीज लाइन. मैं ये इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अगर जब भी हम नोटबुक को ओपन करेंगे तो इसके जो पेजेस है वो अनबाइंड नहीं होंगे. इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने ये रेड प्रिंटेड पेपर ले लिया है. ये मुझे लोकली मार्केट में मिल गया था. मैंने इस पर्टिकुलर पेपर को कवर के साइज से एक एक सेंटीमीटर कम ही काटा है. मैं इसको इस तरीके से पेस्ट कर लूँगी ताकि मुझे येलो कलर की एक प्यारी सी बॉर्डर लाइन मिल जाए. एंड अगेन माय कलाकारी. पर इस गोल्डन शीट से एक पॉकेट बनाओगे. आप कितने भी साइज का बना सकते हो. मुझे इस साइज का चाहिए तो मैंने इसी साइज का कट कर लिया है. एंड अब मैं इसका सील फ्लैप भी इसी के साइज का कट कर लूंगी. इस पॉकेट में मेरे दो सील पोर्शन होंगे जो एक लगेगा सील फ्लैप में एंड सेकंड लगेगा पॉकेट के ऊपर. रूलर से मैं इसको क्रीज लाइन इसके ऊपर बनाऊंगी ताकि इजिली पेस्ट हो सके पॉकेट के अंदर. सी लाइक दिस. ये पॉकेट के अंदर जाएगा. इसको पेस्ट करने के लिए रेड प्रिंटेड पेपर से जो वेस्ट पीसेस बचे थे मैं उसी से इसको डेकोरेट कर लूंगी. मैंने कोई भी एक रैंडम पीस उठा लिया है ना. मैं इसके ऊपर इसी से इसको डेकोरेट करूंगी. एंड सी फाइनली इट लुक लाइक दिस. इस तरीके से मैं सील फ्लैप को भी डेकोरेट कर लूंगी. अब मैं आपको बताऊंगी सील फ्लैप को पेस्ट कैसे करना है. ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है सील फ्लैप का ये पॉकेट के अंदर जाएगा. एंड इसको हमें बैक साइड से पेस्ट करना है लाइक दिस. इसको हमने पॉकेट के अंदर डाला एंड इसको बैक साइड से पेस्ट करना है फ्रंट साइड से नहीं लाइक दिस. एंड फाइनली ये पेस्ट करने के बाद ऐसा दिखेगा. मैंने एक गोल्डन कलर की स्ट्रिप ले ली है. इसको मैं इस तरीके से पॉइंटेड लुक दे रही हूँ. ये पोर्शन सील फ्लैप में पेस्ट होगा जैसे कि मैंने पहले ही बताया था. इसके दो पोर्शंस हैं एक सील फ्लैप में और एक पॉकेट के ऊपर. अगेन मैंने एक छोटी सी गोल्डन स्ट्रिप ले ली है. ये वही मटेरियल जिससे मैंने पॉकेट बनाया है वही शीट से कट कर लिया है मैंने. अब मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करूँगी. आप सब प्लीज़ देख लीजिए मैं इसको किस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ. इट लुक लाइक दिस. इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है. एंड अब मैं इसको पेस्ट कर दूंगी. एंड फाइनली इट लुक लाइक दिस. एंड ये फाइनल लुक है हमारे नोटबुक का. एंड नाउ वी हैव टू मेक बुकमार्क. मैंने इसके लिए लिया है एंड गोल्डन शीट का एक छोटा सा पीस ले लिया है जिसके एजेस को मैंने कर्व कर लिया है. अब मैं इसके अपर मिडिल पोर्शन में होल करूँगी. आप किसी भी पॉइंटेड टिप से कर सकते हो. रिबन को इसके अंदर डालने के लिए मैं रिबन की टिप को थोड़ा सा रोल कर लूंगी.
लाइक दिस। एंड अगेन मैं इसको पेस्ट करने के लिए हॉट ग्लू गन का यूज कर रही हूँ। आप इसको नॉर्मल फेविकोल से भी पेस्ट कर सकते हैं। को मैं ब्लैंक छोड़ रही हूँ, इसमें मुझे आपकी कलाकारी देखनी है। बुकमार्क जनरली खो जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, बुकमार्क में रिबन को रोल कर देंगे एंड वी पुट इट इन द पॉकेट। इससे हमारा बुकमार्क कभी नहीं खोएगा। एंड इट्स डन, दिस इज द फाइनल लुक ऑफ आवर नोटबुक। Signing off this video. If you like this video, give thumbs up to it, and if you haven't subscribed my channel, subscribe it.